हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का पर्व कल यानी 19 अगस्त को मनाया जाएगा। पुराणों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन अपनी राशि के अनुसार उपाय करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। नंबर 2, मेष राशि। इस राशि की महिलाओं को हरियाली तीज के दिन भोलेनाथ को सफेद और माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पंचामृत का भोग लगाकर इसका वितरण करें। नंबर 3, वृषभ राशि। इस राशि की महिलाएं मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उन्हें गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। नंबर 4, मिथुन राशि। मिथुन राशि की महिलाओं को हरियाली तीज पर माता पार्वती को हल्दी और शिवजी को सफेद चंदन चढ़ाना चाहिए। उन्हें केले का भोग लगाएं और इसे लोगों में बांट दें। 5, कर्क राशि। कर्क राशि की महिलाओं को माता पार्वती को हरसिंगार का इत्र और महादेव को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। नंबर 6, सिंह राशि। सिंह राशि की महिलाओं को शिव पार्वती का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। इस दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाने से भी लाभ होगा। नंबर 7, कन्या राशि। इस राशि की महिलाओं को हरियाली तीज पर अपने पति के साथ रुद्राभिषेक करना चाहिए और देवी मां को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। नंबर 8, तुला राशि। इस राशि की महिलाओं को देवी पार्वती को लाल चुनरी और महेश्वर को सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर भांग मिश्रित दूध चढ़ाएं। इससे शिव की जल्द कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की महिलाओं को चमेली का इत्र पानी में मिलाकर शिव पार्वती का अभिषेक करना चाहिए और माता पार्वती को हरे रंग की चूड़ियां चढ़ानी चाहिए। श्रद्धा अनुसार उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। नंबर 10, धनु राशि। हरियाली तीज पर इस राशि की महिलाओं को शिव परिवार पर लाल पुष्प चढ़ाकर और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। किसी मंदिर में चावल दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। 11, मकर राशि। मकर राशि की महिलाओं को हरियाली तीज पर शिव पार्वती के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही उमामहेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। 12, कुंभ राशि। इस राशि की महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए और श्रद्धा अनुसार गेहूं अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। 13, मीन राशि। मीन राशि की महिलाओं को हरियाली तीज पर देवी पार्वती को पीले वस्त्र और महादेव को धतूरे के फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव खत्म होता है।